गुड मॉर्निंग फ्रेंड टुडे वी स्टार्ट द न्यू युनिट ऑफ अवर टेक्स्ट बुक आवर न्यू युनिट नेम इज इंडिया ट्रान्सफॉर्म फर्स्ट म्हणजे काय आज आपण आपल्या प्रकरणाचं नवीन अकरावं प्रकरण अभ्यासायला चालू करतोय त्याचं नाव आहे बदलता भारत भाग एक याचा भाग दुसरा पुढच्या प्रकरणामध्ये आपण अभ्यासणार आहोत आता यामध्ये भारतामध्ये बदल होत आहेत

Changes start. This changes start in after 1990. This year is an important year in our India's our whole world life, world's history. In this unit, we change start the changes in technology, economics, and every sector after this year. The, in this unit, we study about the globalizations. after this which mainly which सेक्टर डेव्हलपमेंट स्टार्ट टू globalization एकोणीसशे नव्वद नंतर प्रामुख्याने कशामध्ये बदल झाला त्यामध्ये काय झालं तर ग्लोबलायझेशन म्हणजे उदारीकरण हे कशात होतं त्याचा आपल्याला अभ्यास आता या प्रकरणामध्ये चालू करायचा आहे यामध्ये आपण एकोणीसशे नव्वद अगोदरचा भारत एकोणीशे नव्वद नंतरचा भारत आणि त्यामध्ये भारताच्या एकोणीशे नव्वद नंतर झालेल्या धोरणामध्ये बदल आपण अभ्यास आहोत इन दिस युनिट वी स्टडी अबाउट द बिफोर नाईन्टी नाईन्टीन नाईन्टी इंडिया अँड आफ्टर नाईन्टीन नाईन्टी इंडिया अँड बेसिकली विच टाय विच पॉलिसी चेंज आफ्टर नाईन्टीन नाईन्टी मेनली इम्पॉर्टंट इन धिस युनिट दिस इज अ गॅट गॅट एक्झेमेंट यामध्ये सर्वात महत्वाचा आहे तो म्हणजे गॅट करार आपल्याला अभ्यास या प्रकरणामध्ये करायचा आहे आता यामध्ये काय झालंय मेली व्हाय दिस एग्रीमेंट क्रिएटेड इन आफ्टर ना सेकंड वर्ल्ड वॉर एव्हरी कंट्री सिक्युअर आवर कंट्री एकोणीसशे दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रत्येक कंट्रीने स्वतःच्या उत्पादनाला व्यापाराला सुरक्षित करण्यासाठी काम केलं आणि त्याने त्यांनी दुसऱ्या देशातून येणाऱ्या मालावर जकात लादलेल्या आफ्टर दिस आफ्टर सेकंड वॉल एव्हरी कंट्री स्टार्ट सेक्युअर आवर ट्रेड अँड दॅट्स वाय दे अलाव टू टॅक्सेस इम्पॉर्टेड गुड्स दॅट्स वाय मेली ट्रेडिंग स्टार्ट डिसलाइक यामुळे काय झालंय व्यापारामध्ये व्यापार हा कमी होऊ राहायला लागलाय आणि त्यामुळे अडचणी उभ्या राहिल्या त्यामुळे क्युबा या देशामध्ये विच कंट्री इन क्युबा ऑर्गनाईज इंटरनॅशनल वन कॉन्फरन्स क्युबामध्ये एक सभा मीटिंग ऑर्गनाइज झाली होती त्यामध्ये फिफ्टी सिक्स कंट्रीज देशाचे सदस्य या साठी उपस्थित होते

न भारताे एक सत्ते भारत स्वतंत्रता एक उसि साली एक मीटिंग पर ऑर्गनाइजी इन नाइन फ्रीडम इन नाइनटीन फोर्टी सिक सेवन ऑर्गनाइज वन अनाजर मेन मीटिंग इन जीनिवा विच प्लेस दे ऑर्गनाइज मीटिंग इन जीनिवा इन दिस दिस मेजोरिटी कंट्रीज पार्टिपेट इन दिस मीटिंग अटेंड दिस मीटिंग अँड देड गॅट करार दिस इज अ फर्स्ट इंटरनॅशनल ट्रेडिंग रिलेटेड एकोणीसशे सत्तेचाळीस साली अनेक देशाच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीमध्ये गॅट करार झाला आणि त्या हा पहिला आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधित झालेला मोठा करार होता यामुळे काय झालं त्यामध्ये अनेक गोष्टी आल्या आर्थिक विकास वाढणं विकास स्वतःच्या देशात आर्थिक विकास करणं म्हणजे आपले जो अत्यंत मित्र असतील चांगले त्यांना म्हणायचं मोस्ट फेवरेट नेशन ट्रीटमेंट यासारख्या गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आलं इन दिस अॅग्रिमेंट एव्हरी कंट्री धिस अग्रिमेंट गिव्ह द एव्हरी कंट्री टू सिक्युअर आवर ट्रेड सेम टाइम दे प्रोव्हाइडेड इन धिस अग्रिमेंट मोस्ट फेवरेट फेवरेट नेशन ट्रीटमेंट जिसके अंदर आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ आपको ट्रेडिंग करते समय कुछ उसको क्या सहूलियत देनी है तो वे आप दे सकते हैं अब इसके वजह से गैट का गैट एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ और इस इस ऑर्गेनाइजेशन का एवरी ईयर वन मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई जिनेवा में में इसकी एवरी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई और इस मीटिंग में एवरी कंट्रीज को पार्टिसिपेट होने की परमिशन दी गई और दे गेव वन वोट राइट्स इनको क्या मिला है? एक मतदान का अधिकार देखी देशाला प्रत्येक देशा भेटाला चर्चा विनिमय कर आर्थिक जगता मध्य जे व्यापारा अड़ी अड़चनी आ दूर कर आप्ट, या, ग्याट कर करार, कन्वर्टेड वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायजेशन गॅट करार हा पूर्व नंतर जागतिक व्यापारी संघटना या नावाने काय झालेला आहे तर लागू झालेला आहे आता ज्या गॅट कराराचं विस्तारित रूप म्हणजे जागतिक व्यापारी संघटना यानी कि गैट करार कन्वर्टेड इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू इंग्लिश में क्या कहेंगे डब्ल्यू के नाम से ये फेमस है अब इससे इसके लिए 1995 में 1 जनवरी 1995 में एक ऑर्गेनाइजेशन फिर से ये बनाई गई 1 जनवरी 1995 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसके मेंबर बने गए वन हंड्रेड नाईन्टी थ्री कंट्रीज बॉरी वन हंड्रेड ट्वेंटी मेंबर इस ऑर्गनायझेशन का मेनली क्या क्या काम था तो ट्रेडिंग रिलेटेड सॉल्व करना ट्रेडिंग को बढ़ावा कोण व्यापारासंदर्भात काय अडचणी असतील त्या दूर करून व्यापाराला वाढ देण्याच काम केलं होतं आणि त्यावेळी याच्या या संघटनेचे पहिले महासंचालक फर्स फर्स जनरल ऑफ डब्ल्यू टी एमओ उनका नाम था ऑर्थर डकेल इसके फर्स्ट जनरल कौन है यानी इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया क्या बना है ड्राफ्ट बनाया यानी मसूदा बनौला जिसके अंडर क्या क्या है इन्होंने कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाए जिसकी वजह से ट्रेडिंग को बढ़ावा मिले और इसको डंकेल प्रस्ताव मराठी मध्य मनाच डंकेल प्रस्ताव इंग्लिश मध्य मना चाहिए डंकेल ट्राफ्ट के नाम से ये फेमस है अब डंकेल डंकेल ड्राफ्ट के अंदर ये काम कंटिन्यूसली होने लगा और इस वजह से इसको इसमें सबसे ज्यादा क्या किसके लिए सब आ, क्या क्या है बढ़ावा दिया गया है तो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया मराठी मध्य उदारीकरण उदारीकरण मीन्स

सिक्योर कुछ ट्रेडिंग पॉलिसीज है वो आप सिक्योर भी रख सकते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट का काम इससे कंटिन्यूसली हो रहा है अब इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया और उस समय के इंडिया ने इस समय के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पी वी नरसिंह राय इस समय के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे पी वी नरसिंह राय और वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्होंने इसको सपोर्ट किया है और इसकी वजह से इंडिया में भी चेंजेस लाना स्टार्ट हुआ है वजह से उसके बाद के पीएम बने थे अटल बिहारी उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया है अटल बिहारी वाजपेयी के बाद फिर से एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह टू टाइम्स के लिए पीएम बने पीएम बने इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया है और इस पॉलिसी को इंडिया में लागू करवाया इस वजह से इस वजह से इसकी वजह से इंडिया में बहुत सारी चेंजेस आए हैं आफ्टर टू थाउजंड सिक्सू टी एवरी ईयर कुछ, आ, कुछ आ, पेडिकल्स यानी मासिक प्रसिद्ध गोष्टी आंतरराष्ट्रीय बाब् लक्ष्य देता विशेषत्वाने गोष्टी क्या अर्थव्यवस्थे लक्ष्य दिए फोकस ऑन इन इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इंडियन इकोनॉमी फास्टली डेवलपिंग इकोनॉमी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परॉब्लम्स थी पॉवर्टी की uh, thi, poverty ki, वो भी कम होने लगी है सेम टाइम चाइल्ड डेथ हुई है बाल मृत्यु प्रमाण देखे कमी जाए सेम टाइम फैसिलिटीज आम लोगों को जो फैसिलिटी दी जा रही है वो देखी उसमें भी बढ़ावा मिला है इस वजह से बहुत सारे सेक्टर में इंडिया में चेंजेस हुए जिस वजह से डब्ल्यू ने इंडियन इकोनॉमी की तरफ ज्यादा फोकस किया अब इसमें क्या क्या चेंजेस आए इंडिया में इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर को बात करेंगे यहाँ पे डब्ल्यू टी ओ दो एग्रीमेंट के बारे में ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज के लेक्चर को हमने है नेक्स्ट लेक्चर को हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इन वेरियस फील्ड म्हणजे विविध क्षेत्रात झालेले भारतामधील बदल याचा आपण पुढच्या लेक्चरला सविस्तर मध्येपणे अभ्यास करू आज आपण इथेच थांबू धन्यवाद